नमस्कार बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार को अब फूड पार्क के रूप में एक नया सौगात मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इलाके में अब फूड पार्क बनने जा रहा है, जिसमें रोजगार के लिए कई सारे सृजन उत्पन्न होंगे, कई सारे कंपनियों में हजारों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के जरिए हम लोग यहाँ पर आज फूड इंडस्ट्री के लोगों को हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि बिहार को मेगा फूड पार्क मिला है और मोतीपुर में हम जो पहले 78 एकड़ में था वो अब हम 160 एकड़ में बनाने जा रहे हैं। और 160 एकड़ में, क्योंकि 78 एकड़ आने के बाद तुरंत हम लोगों को इतने इन्वेस्टर मिले हैं कि उसका साइज़ बढ़ाना पड़ा है, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कंपनी इन्वेस्टर आए और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, ख़ासकर मेगा फूड पार्क में ही काफ़ी रोज़गार उपलब्ध होगा। एक एक कंपनी वहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार देने वाली है, कई कंपनियाँ वहाँ आने वाली। बिहार फूड इंडस्ट्री में सबसे आगे आए इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों ने इस बात की चिंता की है कि जिस तरह से भी हो बिहार के लोगों को उद्योग के क्षेत्र में बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे ले जाना। और अब बिहार में उद्योग का माहौल बन चुका है। मैं कई राज्यों में गया हूँ, इन्वेस्टर से मिला हूँ, हमने एक नारा भी दिया है, एक बार तो आइए बिहार में, क्योंकि बिहार के बारे में जो परसेप्शन लोगों ने खराब किया हुआ है उस परसेप्शन को भी दूर करना है। बिहार में कानून का राज है, सुशासन है, मुख्यमंत्री बहुत एक्सपीरियंस हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई साल से राज्य में मुख्यमंत्री हैं, एक उनकी अच्छी छवि है, इसका पूरा लाभ बिहार को है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की की है, हमने रोड, बिजली, पानी, कृषि में तरक्की की, इथेनॉल में जहां हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आए हैं उससे भी ज़्यादा हमें संभावना है कि टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी जब आएगी तो बहुत सारे इन्वेस्टर उसमें आएंगे। हमारा जो विभाग है जहां बड़े उद्योग की चिंता हम कर रहे हैं, तो कई लोगों को लगेगा कि साहब ये जो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, आज हम उपेंद्र महारथी भी गए थे, जो पत्रकार भाई वहाँ नहीं गए उनको एक बार जाकर उपेंद्र महारथी एज ए बिहारी जाकर देखना चाहिए कि कितना बड़ा संस्थान हमारे बिहार के अंदर है, तो हम उनकी भी चिंता कर रहे हैं। कल हमने खादी और हैंडलूम की चिंता की, उसमें हमने ये भी चिंता की कि जो बीआई के भी बड़े प्रपोजल हैं उसके लिए, अभी मेरा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए हमने रोड शो अभी नहीं किया है। अभी तो कोरोना काल में हम बिना एक पैसा बिहार सरकार का खर्च किए हुए हम CII फिक्की यही लोग बुला रहे हैं और वहीं उद्योगपतियों से इंटरेक्शन हो रहा है। हम इथेनॉल में भी चाहते थे दिल्ली मुंबई में करना, तो लॉकडाउन हो गया, तो समझिए अभी भी 25 अगस्त के बाद ही तो एक्टिविटी यहाँ शुरू होगी। तो मेरे मंत्री बनने के बाद कोरोना काल में ही ये सब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो आप ये समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये कार्यकाल है ये उद्योग का कार्यकाल है, इसमें उद्योग और रोजगार ही चर्चा का विषय है। और इसमें क्योंकि हर क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने बेहतरीन काम किया है और उद्योग में भी इसको ऊंचाई पे ले जाना है, बिहार को उद्योग का हब बनाना है, इसमें लग रहे हैं। बाहर भी रोड शो करेंगे, जब रोड शो मतलब नेताओं वाला मत समझिएगा, उसको रोड शो कहते हैं जब बाहर जाते हैं, इन्वेस्टर को बुलाते हैं, तो यहाँ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिहार में भी अभी कुछ प्रपोजल आए हैं और भी प्रपोजल आएंगे, उस पर काम करें। तो सुना आपने, बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार को उद्योग में नंबर वन पे बनाना है, जिसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं और फूड पार्क को बनाया जा रहा है। फूड पार्क पर बातें उन्होंने कही है ताकि कई लोगों को रोजगार मिल सके। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहे, हमारे बिहार इन शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।